एक खूबसूरत जंगल में एक कबूतर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कबूतर की बेटी मुनमुन बोलती है, मम्मा हम सब दूसरे जंगल क्यों नहीं जाते हैं? और तो और आप किसी पक्षी को भी इस जंगल में आने नहीं देती। अकेले रहते हुए इस जंगल में हमें कितने साल हो गए हैं मम्मा, मुझे अकेले मन नहीं लगता है। मेरा मन करता है कि मैं भी दूसरे पक्षियों के साथ खेलूं। बेटा तुम्हें पता है ना, ये हमारा सुनहरा जंगल है। मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी और ना ही हम किसी दूसरे जंगल जाएंगे। समझ गए तुम सब? अच्छा अब बस भी करो। तुम्हें पता है मेरा एक और सुनहरा जंगल है, मैं वही तुम दोनों के लिए फल लाने जा रही हूँ। तुम दोनों बहनें अच्छे से रहना, अगर मुझे थोड़ी देर भी हो गई तो मत डरना। समझ गए तुम सब? फिर कबूतर उड़ते उड़ते सुनहरे जंगल पहुंच जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए ये ताजे ताजे फल लेकर जाऊंगी, इसे खाकर वे स्वस्थ रहेंगे। अब मैं ये फल लेकर निकल जाती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर कबूतर फल लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। ये लो मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे फल लेकर आई हूँ, ताकि तुम दोनों बहुत से फल खाकर स्वस्थ रहो। फिर दोनों बच्चे फल खाते हैं और बोलते हैं, मम्मा ये सब तो ठीक है, पर मुझे टूनी अंटी के जंगल जाना है। टूनी अंटी के भी दो बेटियां हैं, ये दोनों भी बहुत सुंदर हैं मम्मा, मुझे खेलने जाने दो ना मम्मा, मुझे खेलने का बहुत मन करता है। मम्मा मैं अकेली नहीं रह सकती, मम्मा मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, टुनटुन भी मेरे साथ जाएगी, फिर हम दोनों खेलकर एक साथ घर आ जाएंगे। क्या कहा तुमने? मैंने मना किया था ना, हमारा रहन सहन दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है। उनका रहने का तरीका अलग है, उनके पास जाना तो दूर की बात, उन्हें देखना भी ठीक नहीं है। तुम समझ गए? आगे इस तरह सोचना भी नहीं। और टुनटुन अपनी बहन का ख्याल रखना, या कहीं नहीं जा पाए। ठीक है मम्मा, आप चिंता ना करें, मुनमुन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो ठीक है टुनटुन, मैं अपना दूसरा जंगल जा रही हूँ, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उस फल पर सभी पक्षियों की नजर है, मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है मैं चलती हूँ। फिर कबूतर उड़ते उड़ते दूसरे सुनहरे जंगल पहुँच जाती है। इधर मुनमुन अपनी मम्मा के जाने के बाद बोलती है, टुनटुन बहन मम्मा तो यहाँ से चली गई है, अब हम टूनी अंटी के घर चलते हैं, उनकी बेटियों के साथ हम खेलेंगे। मेरा बहुत मन करता है कि जंगल में दूसरे पक्षियों के साथ खेलूं। एक ही जगह रह रह कर बोर हो गई हूँ। हाँ मुनमुन तुम ठीक कह रही हो, मैं भी एक जगह रह रह कर बोर हो गई हूँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अब जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो मम्मा आ जाएंगे, फिर वह हमें यहाँ से नहीं जाने देगी, जल्दी चलो। फिर दोनों बच्चे उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर टूनी बोलती है, अरे बच्चों तुम दोनों यहाँ अपनी मम्मा को बताकर यहाँ आई हो ना? नहीं आंटी, हम दोनों अपनी मम्मा को बताकर नहीं आए हैं, हम दोनों चुपके से आपके घर आए हैं। क्या कहा तुमने, चुपके से मेरे घर आए हो? तब तो तुम्हारा मम्मा मुझसे ही झगड़ा करेगी। तुम्हारी मम्मा तो सब पक्षियों से अलग है, और तो और वह किसी पक्षियों के नजदीक आना भी पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक ही जगह रह रह कर बोर हो गई हो, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो, मेरे बच्चों के साथ यहाँ खेलने आए हो ना? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ टूनी आंटी आप ठीक कह रही हो। तो ठीक है, जब दोनों यहाँ आ ही गई हो तो मेरे बच्चों के साथ खेलो। इधर जब कबूतर अपना घर वापस आती है तो अपने बच्चों को घर पर नहीं देख पाती है, तो वह परेशान हो जाती है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अच्छा लगता है ये दोनों टूनी के घर चली गई, क्योंकि मुनमुन टूनी के बारे बोल रही थी। मैंने उन्हें कितना समझाई पर वे दोनों नहीं माने। मैं अभी जाकर दोनों की खबर लेती हूँ और उस टूनी की बच्ची की भी क्लास लेती हूँ। मुझे तो लगता है कि टूनी ही मेरे बच्चे को बहला फुसला कर ले गई है, ताकि वह हमारे जंगल में अपना हक जमा सके। मुझे जल्द ही वहाँ जाना होगा,
नहीं तो देर हो जाएगी। फिर कबूतर उड़ते उड़ते टोनी के घर पहुंच जाती है और बोलती है, आखिर तुमने जादू कर ही दी। तुम मेरे जंगल जाकर मेरे मासूम बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर आ गई, ताकि तुम्हें मौका मिलते ही मेरे जंगल पर अपना हक जमा सको। यही तुमने सोचा है ना? फिर तुम हक जमाओगी क्यों नहीं? मेरे बच्चों को तुम्हारे बच्चों से मन लगने लगेगा, फिर मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं मानेंगे। तुम यही चाहती हो ना? कबूतरी बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं तुम्हारे सुनहरे जंगल में क्यों हक जमाऊंगी? वो तो आपके बच्चे मेरे घर खुद आए हैं मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए और अपने बच्चों की तरफ देखिए, वो कितने ज्यादा खुश हैं। शायद आपने अपने बच्चों को पहली बार इतनी खुश देखती होगी। इनको भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मन करता है। बस आप अपने सुनहरे जंगल पर घमंड करती हैं। इतना भी घमंड ठीक नहीं है कि बाद में पछताना पड़े। और हाँ, मैं आपके बच्चों को लेकर नहीं आई हूँ, आपके बच्चे खुद मेरे घर आए हैं। हाँ मम्मा, टोनी आंटी ठीक कह रही है, हम यहाँ खुद इनके बच्चों के साथ खेलने आए हैं। अगर हम खुश रहे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तुम मुझे माफ कर दो टोनी बहन, आज से हम सब मिलकर रहेंगे। देर ही सही, पर आपको तो समझ आया। चलो मैं आपको माफ करती हूँ। फिर टोनी कबूतर को माफ कर देती है और सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक उल्लू महाराज का राज था। जंगल के सारे पक्षी उल्लू महाराज से काफी खुश थे, परंतु उल्लू महाराज काफी बूढ़े हो चुके थे। टूनी चिड़िया, तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे बस मरने से पहले पहले इस जंगल के लिए नए महाराज चुनना पड़ेगा, वरना मेरे मरने के बाद महाराज बनने के लिए बहुत लड़ाई होगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ। उल्लू महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या आपने किसी पक्षी के बारे में सोचा है जो इस जंगल का नया राजा बनने योग्य हो? टोनी चिड़िया, मेरे दिमाग में एक पक्षी है जो इस जंगल का महाराज बन सकता है, और वो तुम हो, और तुम इस जंगल की महारानी बनकर जंगल की जिम्मेदारी निभाओ। अरे नहीं उल्लू महाराज, मैं इस जंगल की महारानी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे भी जंगल की महारानी से ज्यादा ताकतवर जंगल का राजा होता है। टोनी चिड़िया, अगर तुम जंगल की महारानी नहीं बनना चाहती हो तो मैं किसी दूसरे पक्षी को चुन लूंगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा पक्षी हमारे जंगल का अच्छे से ध्यान रखेगा। उल्लू महाराज, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम अपने जंगल के लिए एक अच्छा महाराज ढूंढ सकते हैं। फिर टोनी चिड़िया उल्लू महाराज को अपना उपाय बताती है। अगले दिन उल्लू महाराज सभी पक्षियों को जमा करते हैं। देखो पक्षियों, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इस जंगल की जिम्मेदारियाँ अब नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बनने से पहले पहले इस जंगल का एक अच्छा नया महाराज बन जाए और इस जंगल की अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा सके। महाराज की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। तुम में से जो पक्षी महाराज बनना चाहते हैं कल मेरे पास आए, मैं उनका परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में सफल होगा वही इस जंगल का नया महाराज बनेगा। उल्लू महाराज की बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया, तुम तो उल्लू महाराज का सबसे अच्छा दोस्त हो, तुमको तो पता होगा कि उल्लू महाराज कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं। कालू कौवा, मुझे परीक्षा के बारे में पता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारे जंगल का फ्यूचर का मामला है। अरे टोनी चिड़िया, तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर तुम परीक्षा के बारे में कालू कौवा को बता दोगी, कालू जी इस जंगल का महाराज बन जाएगा, फिर कालू जी तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। हाँ टोनी चिड़िया, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुम्हें इतना सुविधा दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कालू कौवा, रानी कौवी, जंगल का महाराज बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। महाराज पर जंगल के सभी पक्षियों की जिम्मेदारी होती है, और तुम खुद महाराज बनने के लिए अपने जंगल का सौदा करने को कह रहे हो। कभी नहीं,
तुम जैसे पक्षियों को तो कभी महाराज नहीं बनना चाहिए। अच्छा अब बस ही करो टोनी, मैं खुद ही परीक्षा में सफल होकर इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। दूसरी तरफ मिट्टू तोता और तोती बातें कर रहे होते हैं। अरे तोती, तुम क्या कह रही हो? माना कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, परंतु एक महाराज पर पूरे जंगल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आप इस जंगल की जिम्मेदारों को आसानी से निभा सकते हो। बस ऐसी बातें हो रही होती है तभी टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे तोते भाई, तोती बहन, आप दोनों में क्या बातें चल रही हैं? टोनी चिड़िया, तुम इस तोती को समझाओ, मुझे कह रही है कि मैं इस जंगल का राजा बनकर इस जंगल की जिम्मेदारी निभाऊं। तोता भाई, आप तो एक रहम दिल और ईमानदार पक्षी हो, और तोती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मिट्ठू तोते, तुम इस जंगल का नया महाराज बनकर हम पक्षियों को और भी ज्यादा फायदा दोगे। सुन लिया ना आपने तोते जी, कि आप इस जंगल के नए महाराज बन सकते हैं। टोनी चिड़िया, मैं महाराज बनने के लिए तैयार हूँ, बस कल मैं उल्लू महाराज की परीक्षा में सफल हो जाऊँ। मिट्ठू तोते, अगर तुम सच्चे दिल से हमारे जंगल को फायदा पहुँचाने के लिए महाराज बनना चाहते हो तो तुम देखना, तुम महाराज जरूर बनोगे। दूसरी तरफ भी कबूतर महाराज बनने का सपना देख रहा होता है। बुलबुल बहन, मैं नया महाराज बनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था, पर यह बुढ़ा उल्लू महाराज बनकर चिपक ही गया ना, ना जाने वह बुढ़ा उल्लू कब मरेगा। ऐसे मत बोलो कबूतर, उल्लू महाराज हमारे जंगल के बहुत अच्छे महाराज हैं। बुलबुल बहन, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो तुम्हें यही सोचना पड़ेगा कि इस जंगल का नया महाराज तो ये कबूतर ही बनेगा। अरे नहीं कबूतर भाई, आप देखना, जंगल के नए महाराज तो आप ही बनेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा, मिट्ठू तोता और कबूतर महाराज बनने के लिए आ जाते हैं। महाराज, बस यही तीन पक्षी है जो हमारे इस जंगल के नए महाराज बनना चाहते हैं। ठीक है टोनी चिड़िया, मैं अब तुम तीनों पक्षियों से एक सवाल करूंगा, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए। तो मेरा पहला सवाल बताओ। तो मेरा पहला सवाल है, बताओ पक्षियों, तुम महाराज क्यों बनना चाहते हो? महाराज, मैं महाराज इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार को अच्छा भोजन खिला सकूँ, हमारी इज्जत बढ़े और पूरे जंगल में ही मैं ही शक्तिशाली पक्षी बनूँ। ठीक है कबूतर, अब तुम बताओ, उल्लू महाराज, मैं भी महाराज बनकर अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखूंगा और मैं सबसे ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। उल्लू महाराज, मैं कालू कौवा और कबूतर की तरह कभी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले महाराज बनकर सभी पक्षियों का ध्यान रखूंगा और सबसे पहले मैं पक्षियों को भोजन दूंगा और बाद में जो भोजन बचेगा वह मैं अपने परिवार को दूंगा, और अगर भोजन नहीं बचा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा ही रह लेगा। लेकिन मेरा वादा है कि मैं इस जंगल के पक्षियों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उल्लू महाराज मिट्ठू तोते की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है पक्षियों, अब मेरी आखिरी परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पास हुआ वही जंगल का नया महाराज होगा। टोनी चिड़िया, तीन भोजन से भरी पोटलियाँ मंगवाई जाए। फिर टोनी चिड़िया तीन भोजन से भरी पोटलियाँ लेकर आती है। पक्षियों, इस राजमहल में जो तुम्हें सबसे कीमती लग रही है वह तुम ले लो। पोटलियों में बहुत सारे भोजन देखकर कालू कौवा और कबूतर लालच में आ जाते हैं और फिर दोनों एक एक पोटली ले लेता है। मिट्ठू तोते, क्या तुम भोजन से भरे पोटली नहीं लोगे? उल्लू महाराज, टोनी चिड़िया, इस पोटली का भोजन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर यह कीमती कैसे हुआ? महाराज, इस जंगल में सबसे कीमती चीज है। महाराज, इस महल में सबसे कीमती चीज तो आप हैं, इसलिए मैं आपको चुनता हूँ। आप भले ही बूढ़ा हो चुके हैं, परंतु आप हमारे जंगल के सबसे कीमती चीज हो। क्या आपके होते हुए चीलों ने कभी जंगल पर हमला किया है? क्या हमें यह भोजन चीलों से बचा सकता है? नहीं ना, तो फिर ये कीमती कैसे हुआ? कीमती तो हमारे उल्लू महाराज हैं, तभी तो ये हमारी बड़ी सी बड़ी मुसीबत से बचाते आए हैं।
इसलिए उल्लू महाराज मैं आपको चुनता हूँ। मिट्टू तोते की बात सुनकर उल्लू महाराज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। पक्षियों, टूनी चिड़िया का आइडिया काम कर गया और आज मैंने जंगल का नया महाराज चुन लिया है। पक्षियों, आज से हमारा नया महाराज ये मिट्टू तोता है, क्योंकि वह अपने से ज्यादा हम पक्षियों के बारे में सोचता है। फिर सभी पक्षी मिट्टू के महाराज बनने पर खुश हो जाते हैं और कौवा और कबूतर बहुत ज्यादा जलते हैं और अपने बेवकूफी पर पछताते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।